आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है 498 के अंतर्गत। तो आपको बता दें, कई लोग सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत दिया है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है और आप भी उन्हीं लोगों में से हो कि आपने अपराध नहीं किया है और आपके ऊपर जो फैसला सुनाया गया है वो आपको लगता है गलत है, कई बार होता है कि लोअर कोर्ट फैसला सुना देती है, गलत हो जाता है, जो दिखाना होता है सबूत वो आप दिखा नहीं पाते हैं, किसी भी वजह से जो फैसला आता है वो आपके हक में नहीं आता है, जबकि आपने कोई क्राइम नहीं किया है फिर भी आप क्रिमिनल साबित हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हायर कोर्ट जरूर जाना चाहिए, हाई कोर्ट जरूर जाना चाहिए। हाई कोर्ट का अगर फैसला आप देख रहे हैं कि आपके हक में या आपके हक में नहीं है फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। एक ऐसा है केस मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो आप हाई कोर्ट में जरूर गुहार लगाएं, आपके साथ इंसाफ होगा, क्योंकि अगर आप मुजरिम नहीं है, आपने गलत नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने भी वो बात आती है कि आप गलत नहीं हैं, आपको सही न्याय मिलता है। आपको केस हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि समय समय पर नए कानून के साथ और नए नए वीडियो कानून संबंधी हम लाते रहते हैं ताकि आपको कानूनी जागरूकता मिलती रहे। देखिए, इस मामले में जो FIR हुई थी वो 498A IPC और 304B के अंतर्गत हुई थी। इसमें मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक वायलेंस तो आप सबको पता है 498A, 304B क्या होता है, इसमें होता है कि अगर आप किसी को इनडायरेक्टली इतना परेशान कर रहे हैं कि वो अपने आप की जान ले लेता है तो ये धारा आपके ऊपर लागू हो जाती है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली किसी को इतना परेशान कर रहे हैं कि वो अपनी जान ले लेता है तो बनती है 306 IPC की। तो आपको दोनों धाराओं में अंतर पता चल चुका होगा। अब चलते हैं कि केस क्या था। मई 2015 में दोनों की शादी हुई थी। लड़की के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि लड़के वाले बहुत दहेज मांगते थे, उसको परेशान करते थे, गाड़ी की डिमांड करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि लड़के का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उन्होंने उस लड़की का नाम भी दिया जिसके साथ अफेयर चल रहा था, और लड़का बार बार उस लड़की को कहता था कि मैं तुझसे नहीं इससे शादी कर लूँगा, तुझे छोड़कर, और लड़की को भी धीरे धीरे ये लगने लगा था कि मुझे छोड़कर ये उस लड़की से शादी करना चाहता है या कर लेगा, तो इसी कारण से वो लगातार मेंटली हरेस होती रही और अंत में उसने अपनी जान ले ली। पूरे मामले को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए लोअर कोर्ट ने जो उसका पति था उसके अगेंस्ट 498A IPC का और IPC का 306 के अंतर्गत उस व्यक्ति को यानी कि उसके हस्बैंड को सजा सुना दी। जब वो हाईकोर्ट में गया तो उसने गुहार लगाई कि उसके ऊपर अंडर 306 के अंतर्गत उसको सजा नहीं सुनाई जा सकती। हाईकोर्ट ने पूरे तथ्यों को ध्यान में रखा क्योंकि उसने बताया था कि जो FIR हुई थी, जो चार्ज हुए थे वो अंडर सेक्शन 498A और 304B के अंतर्गत हुए थे, जबकि सजा सुनाई गई है अंडर 306। तो क्या किया हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट ने सारे तथ्यों को ध्यान में रखा और IPC का 306 हटा दिया, लेकिन 498A में उसको कंटेप्शन कर दिया। अब हस्बैंड यही नहीं रुका, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, गुहार लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेटिसफाइड किया यानी कि रद्द किया और उसकी अपील को स्वीकार किया। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि कई बार होता है कि हम गलत नहीं करते हैं फिर भी कई बार ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं लॉ कोर्ट से कि हमें गलत साबित कर दिया जाता है, हम क्रिमिनल बन जाते। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो निराश मत होना, और भी आगे कोर्ट है, अपर कोर्ट में अपील ज़रूर करें ताकि वो तथ्य जो आप जो लोअर कोर्ट में है वो सामने नहीं ला पाए वो हाई कोर्ट में सामने ला पाए या सुप्रीम कोर्ट में सामने ला पाए। हमारे देश की न्याय प्रणाली बहुत ही अच्छी है, आपको अंत में ज़रूर न्याय मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आपने गलत किया है तो आप अगर न्याय चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सबूत आपके खिलाफ बन ही जाते हैं, तो न्याय आपको जरूर मिलेगा, निराश मत होइएगा। इसलिए वीडियो आपके लिए है कि अगर लॉयर कोर्ट से आपको सही फैसला नहीं मिल पा रहा है तो अपर कोर्ट में अपील जरूर कीजिए। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा।